भोग लगाती है सब लोग? हाँ जी। क्या करते हैं भोग लगा के? थाली रखी और हम अपने क्रियाकलापों में व्यस्त जाते हैं। ये फीलिंग्स आपकी राधा रानी के लिए? आपकी राधा रानी भोजन कर रही है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है। बैठे अपने काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग्स होती हैं? ये मंजरी की फीलिंग्स हैं। मेरी स्वामी खा रही है और खा रही होगी दूसरे कमरे में, मैं अपना मैं जो मर्जी करूं। अरे प्राणों से प्रिय है हमें हमारी स्वामी। जब भी भोग लगाओ, अगर बनना है मंजरी, जब भोग लगे आपको प्रसिद्ध प्रणाली मिली है, हाँ क्या करो, मैं ये मंजरी हूँ, मेरी स्वामी अच्छा मानो वास्तव में आपके साथ बैठी हुई है, खा रही है, आपने पकौड़े भोग बनाए, खा रही है, अच्छा फिर क्या क्या करोगे उस समय? पंखा लोगे, यही करोगे, कुछ और करोगे? करोगे ना। आप अगर और कुछ भी समझ नहीं आता, पंखा लो और करो। और हर भोग पे करना है, जिस भोग लगाने पे आप उनको ये भी नहीं मान सकते, वो पा रही है आपका बना हुआ। अच्छा आपको कैसा लगेगा कि आपने गरम गरम छोले बनाए, पूरी बनाया और उनको खिलाया और वो खा लिया, आपको कैसा लगेगा? चलिए कोई सोचो, इनको छोड़ो, आपके बेटे बेटी के लिए बनाए खिलाया, कैसा लगता है? अमृत मिल गया। तो मतलब कोटि प्राणों से प्रिय हमारी राधा रानी है, वो वास्तव में हमारा बना हुआ खा रही है, तो पहली बात है उसके आनंद में भी बोल रहेंगे। और दूसरी बात, अच्छा मान लो आप गुरु जी आ जाए घर पे और उनको खिलाने का मौका मिले, तो पहली बार उसी से खुश हो गए, दूसरी बार उसका पंखा करोगे। वैसे ही समझ लो कि राधा रानी आपके समक्ष आ गई है और नित्य नूतन रस है ये। ऐसा नहीं लगेगा आपको मैं तो 1 अरब साल से खिला रही हूँ, ऐसा नहीं है, पहली बारी, बिल्कुल पहली, एकदम पहली बारी खा रही है मेरे हाथ पर, वो खा रही है, तो आप क्या करो? करो, चलो आप पहला भोग लगाते हैं ठाकुर को, उसमें क्या मेडिटेट करो? राधा रानी उनके सामने रख रही है और मैं राधा रानी को दे रही हूँ आम, 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 पूरी पूरी लो, ऐसे वो कर रही है और आप दोनों का आस्वादन करो। ये पहला भोग के समय कम से कम कुछ भी ध्यान होना चाहिए। दूसरा भोग में क्या है, राधा रानी साक्षात पा रही है, तो अब आपको तीसरे में तो रूप मंजरी पान का क्या करूँ? रूप मंजरी है वो, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद। तो जो राधा रानी रूप मंजरी पा रही है, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, तो मंजरी जब भी रूप मंजरी पा रही है, पंख करो पंख ना, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? इसमें महत्व बुद्धि नहीं है ना, वो काम धंधे और संसार परिवार, यही इसी में महत्व बुद्धि, इसीलिए कुछ को कुछ तो कर रहे हैं उस समय। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई कोई नहीं, कोई है ही नहीं ना, कोई कोई संसार नहीं, कोई कोई ना आध्यात्मिक संसार है ना भौतिक संसार है, कौन है? राधा रानी पा रही है, मैं उनका पंखा झड़ दूं, मुझे कुछ नहीं पता, बस ना मुझे पता है ना मैं पता करना चाहती हूँ। तो 15 मिनट आप अच्छे से करो, अपने स्वरूप में रहकर करें सेवा, रहेंगे नहीं सेवा करेंगे नहीं तो जब कुछ मिनट भी नहीं करेंगे तो पूरा दिन कैसे निकलेगा? जागृत स्वप्न सुषुप्त शु, जागृत में स्वप्न में राधा रानी चाहिए, यही हम चाहते हैं। अरे स्वप्न में तो बात, जागृत में तो पहले थोड़ी देर लेके आए हम, स्वप्न में तो जब आएंगी तब आएंगी, जब आपके अति हो जाएगी यार दिन रात राधा रानी की सेवा सोचो तब स्वप्न में वो आ जाएंगे। अभी जागृत में कुछ तो करें, कोई भी भोग नहीं लगाएगा बिना ये अपने आप को, कोई काम नहीं करना उस समय। हमारे तो भोग इतने ऐसे ऐसे से होते हैं, हमारे तो क्या होता है जरा से एक भोग लगा दिया भोग, तो सोचे कितनी अच्छी चीजें वो खा रही हैं, तो हम उनको पंखा कर, हमने पंखा करना और हम प्रफुल्लित हैं उसमें, निधि मिल गई, क्या कर रहे हो? मैं तो पंखा कर रही हूँ पर मेरे को निधि मिल गई, अमृत की निधि, निधि मतलब समुद्र, आनंद की निधि। देखो अगर इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो तो ये करो, दूसरा